Now next one session we just discuss karenge important property related to address or value contains operator star regarding pointers. Generally kya rehta hai, is aapko maine starting bataya tha during pointers. Agar kisi aapke paas koi variable name hai something x, observe this case, you are having some variable name as x with address as 100 and value of x is 10. Agar aapke paas koi variable name x hai प्लस x का एड्रेस क्या है 100 और नेम सॉरी वैल्यू क्या है इस केस में जस्ट 10. सिमिलरली अगर आपके पास कोई ब्लॉक है मींस x क्या है इस केस में एलिमेंट और वेरिएबल. सिमिलरली अगर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स का कोई ब्लॉक है जैसे ब्लॉक कंटेन्स 4 एलिमेंट देन इसको मैं जस्ट नेम दे रहा हूं एज अ ब्लॉक. दिस इज वेरिएबल, दिस इज द ब्लॉक. ब्लॉक मींस ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स. सपोज दैट इस केस में ब्लॉक का नेम क्या है अगेन मींस समथिंग y. मीसे x इस केस में सिंगल एलिमेंट का नेम था जबकि y इस केस में क्या है नेम ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स मींस ब्लॉक. इस केस में मैं जस्ट इसका एड्रेस अज्यूम कर रहा हूं 200 202 204 एंड 206. नेक्स्ट वन वैल्यूज आर 10 20 30 एंड 40. मींस इस केस में जस्ट मैं डिस्कस क्या करना चाहता हूं मैंने जैसे 2d एरे स्टार्ट किया था 2d एरे के केसेस में जस्ट अगर आपको मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्शन किया था अगर किसी भी लोकेशन का एड्रेस n है देन उस लोकेशन का वन लॉजिकल नेम क्रिएट होता है एज अ स्टार n. लेकिन आपको याद हो 2 डाइमेंशनल एरे के केस में कई सारे प्लेसेस और मैंने स्टार n के प्लेस पर अगेन क्या रिप्लेस किया समथिंग n. तो जस्ट इस कंफ्यूजन को क्रिएट करने के लिए मैंने सेपरेट वीडियो क्रिएट किया जिससे आपके लिए अगेन फ्यूचर किसी वीडियो में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर्ली वॉच करोगे देन आपके लिए 2d एरे और 1 मल्टी डाइमेंशनल एरे इजीली समझना पॉसिबल. इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं सॉरी आपके पास टोटल 2 केस अवेलेबल है नेम ऑफ द वेरिएबल्स नेम ऑफ द ब्लॉक x का नेम ऑफ वेरिएबल मींस सिंपल केस. अगर आप किसी भी प्लेस पर लाइक अ प्रिंट एफ फंक्शन अगर प्रिंट एफ फंक्शन या किसी भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल का नेम यूज करें इस केस में मैंने प्रिंट एफ में पास क्या किया x x मींस वेरिएबल नेम. जब भी किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल नेम पास करते हैं देन वेरिएबल नेम के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स और एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स मींस जस्ट वैल्यू. क्लियर. सिमिलरली अदर केस क्या है अगर मैं प्रिंट एफ के अंदर किसी भी प्लेस पर वेरिएबल का नेम यूज न करके अगर प्लेस के प्लेस पर अगर मैं ब्लॉक का नेम यूज करता हूँ लाइक अ वाई इस केस में वाई क्या है नेम ऑफ वेरिएबल नेम ऑफ ब्लॉक मीन समथिंग एरे नेम देन ब्लॉक नेम के प्लेस पर कभी भी वैल्यू रिप्लेस होता है क्या नहीं क्योंकि ब्लॉक के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल है देन इस केस में मल्टीपल वैल्यू रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं. जब भी आप ब्लॉक नेम यूज करते हो ब्लॉक नेम से ऑलवेज रेफर क्या होता है ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस. फर्स्ट एलिमेंट मीन्स इस केस में क्या है जस्ट 2 बाइट्स. क्लियर. तो इस केस में सेकंड केस में क्या बाई के केस में क्या रिप्लेस होगा जस्ट एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट विच इज 200. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेम ऑफ द वेरिएबल एंड नेम ऑफ द ब्लॉक. क्लियर. नेक्स्ट वन सम पॉइंटर प्रॉपर्टीज और एरे प्रॉपर्टीज. सेम केस में मैं जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ इन दैट केस. इस केस मैंने मल्टीपल ब्लॉक शो किए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हाईलाइट मीन्स इस केस में इस प्रॉपर्टी को ने मेंशन नहीं किया है. अगर स्टार देन मैंने आपको मेंशन किया लिया था अगर किसी भी लोकेशन का एड्रेस एन है यानी इसी लोकेशन का एक और नेम क्या हुआ स्टार एन मीन्स स्टार 100. स्टार 100 एग्जैक्टली किसके सिमिलर है सिमिलर टू एक्स. सेम है इस केस में अगर बात करें इस केस में करंटली इस ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक का कंप्लीट ब्लॉक का बेस एड्रेस क्या है 200. तो ब्लॉक का अदर अल्टरनेटिव नेम क्या क्रिएट होगा इस वाई का अल्टरनेटिव क्या है इसके इसमें स्टार 100. तो इसके इसमें स्टार 100 कंप्लीट ब्लॉक का नेम. लेकिन अगर फर्स्ट एलिमेंट सॉरी स्टार 200 नॉट अ स्टार 100 स्टार 200. सेम एज इस ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट का भी एड्रेस क्या है ऑल्सो 200. तो फर्स्ट एलिमेंट का भी नेम क्या होगा ऑल्सो स्टार 200. स्टार 200 ब्लॉक का नेम भी पॉसिबल और वेरिएबल का नेम भी पॉसिबल. देन जब कहीं भी किसी प्लेस पर स्टार 200 इस टाइप का कोई प्रॉपर्टी आता है देन आपको कन्फ्यूज होता है कि इस प्लेस पर स्टार 200 वेरिएबल नेम है ब्लॉक नेम है. अगर ये स्टार 200 ब्लॉक नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है लाइक अ वाई देन ब्लॉक नेम के रिस्पेक्ट में रिप्लेस किया हुआ ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मीन्स 200. क्लियर. अगर सेम है स्टार 200 एलिमेंट के नेम को रेफर कर रहा है देन इस केस में एलिमेंट नेम के प्लेस पर रिप्लेस किया गया जस्ट एलिमेंट का वैल्यू विच इज 10. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रॉपर्टीज. अब क्वेश्चन है कि ये करेंटली ब्लॉक नेम के लिए अप्लाई हुआ है या फिर
जस्ट एलिमेंट के लिए अप्लाई हो, डिपेंड करेगा स्टार 200 किस वेरिएबल से रिप्लेस किया। अगर आप ब्लॉक नेम से रिप्लेस करा रहे हैं देन डिफरेंट डिफरेंट केस में सारे केसेस को क्लियर करने के लिए टू डायग्राम कंस्ट्रक्ट किए। इस केस में प्रॉपर्टी की अगर स्टार ब्लॉक एड्रेस के लिए अप्लाई करोगे देन ब्लॉक एड्रेस के केस में रिप्लेस किया जाएगा एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इनर ब्लॉक। इस दिस इज द कंप्लीट ब्लॉक। इस कंप्लीट ब्लॉक के अंदर नेक्स्ट इनर ब्लॉक क्या फर्स्ट एलिमेंट को कंसीडर कर सकते हैं नेक्स्ट इनर ब्लॉक। यहाँ ब्लॉक नेम के प्लेस पर रिप्लेस किया हुआ नेक्स्ट इनर ब्लॉक का एड्रेस, एड्रेस ऑफ 2 bytes, क्लियर। दूसरा केस क्या है, अगर स्टार एलिमेंट के एड्रेस के लिए अप्लाई करते जैसे इस केस में स्टार 100 रेफर किसको करा, मीन्स इस केस में एक्स क्या है ब्लॉक और एलिमेंट सिंगल एलिमेंट, इसका एड्रेस क्या 100। तो किसी सिंगल एलिमेंट के केस में जब स्टार अप्लाई करो देन क्या रिप्लेस होगा जस्ट वैल्यू। सेम इस केस में 200 मीन्स इस केस में जस्ट 200 क्या फर्स्ट एलिमेंट, मीन्स इस केस में 200 एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करा ब्लॉक को भी रिप्रेजेंट करा। जब 200 एलिमेंट को रेफर करेगा उस केस में स्टार 200 के प्लेस पर क्या आएगा 10 और ब्लॉक के केस में क्या आएगा जस्ट अगेन 200 मीन्स एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, क्लियर। नेक्स्ट वन इस केस में जस्ट आपको क्लियर करेंगे इस केस में कई सारे नेस्टेड ब्लॉक प्रोवाइड किए। सपोज लाइक एरे ब्लॉक 1 आउटर ब्लॉक, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4। ब्लॉक 4 के प्लेस पर क्या जस्ट एलिमेंट नॉट अ ब्लॉक, प्लस इस एलिमेंट में वैल्यू क्या स्टोर है जस्ट 10। सपोज दैट इस एलिमेंट का साइज क्या 2 byte, ब्लॉक 3 का साइज क्या 4 bytes, ब्लॉक 2 का साइज क्या 8 bytes, ब्लॉक 1 का साइज क्या जस्ट 16 bytes, क्लियर। नेक्स्ट वन, अगर मैं इस ब्लॉक 1 के एड्रेस के साथ स्टार अप्लाई करता हूँ देन स्टार 100 के प्लेस पर स्टार मीन्स 100 किसका एड्रेस है एलिमेंट का एड्रेस है ब्लॉक का एड्रेस, ब्लॉक का एड्रेस देन स्टार अप्लाई करने पर जस्ट प्रोवाइड क्या करेगा इसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस और फर्स्ट इनर ब्लॉक का एड्रेस। हो सकता है ब्लॉक 2 के बाद अदर नेस्टेड ब्लॉक हो, जस्ट इस ब्लॉक नेस्टेड ब्लॉक के केस में ब्लॉक 2 क्या बन जाएगा फर्स्ट ब्लॉक, तो इससे रिटर्न क्या होगा जस्ट फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस। सेम है इस केस में इस पूरे ब्लॉक का एड्रेस क्या है 200, इस ब्लॉक का नेम भी क्या है स्टार 200, तो स्टार 200 इस केस में जस्ट आपको प्रोवाइड क्या कर रहा है नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस। लेकिन इस केस में आउटर ब्लॉक कंप्लीट ब्लॉक ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है देन आपको क्या बनता है अगेन सेम एड्रेस 200, इसलिए आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए मैंने कन्फ्यूजन सॉल्व करने के लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस प्रोवाइड किए जिससे आपके लिए प्रॉब्लम एग्जैक्टली समझना पॉसिबल है। इस केस में अगर मैं स्टार 100 अप्लाई करता हूँ तो इस केस में रिटर्न क्या हुआ जस्ट एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इनर ब्लॉक, मीन्स स्टार 100 के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा जस्ट 200। सिमिलरली अगर 200 के साथ स्टार अप्लाई करते हैं तो स्टार 200 क्या देगा आपको अगेन नेक्स्ट इनर एलिमेंट का एड्रेस, इसका एड्रेस क्या है जस्ट 300। तो इस केस में स्टार 200 के प्लेस पर क्या है जस्ट 300। नेक्स्ट वन अगेन मैं स्टार 300 के साथ अप्लाई करता हूँ देन इस केस में प्रोवाइड क्या करेगा जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, इसका एड्रेस क्या है 400, तो इस प्लेस पर क्या आएगा जस्ट 400। अगर मैं स्टार 400 के लिए अप्लाई करता हूँ देन इस केस में अगेन फर्दर कोई ब्लॉक फाउंड हो रहा है क्या नहीं देन जस्ट आपको प्रोवाइड क्या करेगा जस्ट वैल्यू है 10। स्टार 400 के प्लेस पर क्या आएगा 10, स्टार 100 के प्लेस पर क्या आएगा 200। अब सपोज दैट इस आउटर ब्लॉक का भी एड्रेस 100 और इनर ब्लॉक का भी एड्रेस अगर 100 में, अगर इनर ब्लॉक का भी एड्रेस क्या है ऑल्सो 100, अगेन मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ वन मोर टाइम्स, मीन्स 200 के प्लेस पर मैं सेम एड्रेस अज्यूम करूँ, आउटर ब्लॉक का भी एड्रेस 100 और इनर ब्लॉक का भी एड्रेस क्या है ऑल्सो 100। फर्स्ट अगर इस केस में मैं 100 के साथ स्टार अप्लाई करूँगा देन इससे क्या होगा इनर ब्लॉक का एड्रेस, इनर ब्लॉक का एड्रेस क्या है अगेन 100, तो इस प्लेस पर क्या है अगेन 100, क्लियर। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट केस में 100 कितने एलिमेंट कितने बाइट का एड्रेस था ब्लॉक वन का साइज क्या 16 byte, तो इस केस में स्टार 100 कितने बाइट्स के नाम है 16 byte का। इनर ब्लॉक के केस में जैसे नेक्स्ट 100 आया तो नेक्स्ट 100 जस्ट ब्लॉक 2 का एड्रेस और ब्लॉक 2 का साइज क्या है 8 byte, तो इस केस में नेक्स्ट 100 कितने बाइट के एड्रेस को रिप्रेजेंट करा ओनली 8 byte, दिस इज द डिफरेंस, क्लियर। नेक्स्ट वन सेम अगेन 100 के साथ मैं स्टार अप्लाई करता हूँ रिटर्न क्या करें इनर ब्लॉक का एड्रेस, और इनर ब्लॉक का एड्रेस अगेन मैंने 100 एज्यूम किया तो इसके इसमें अगेन क्या मिलेगा 100, लेकिन स्टार 100 कितने बाइट का एड्रेस है मीन्स ब्लॉक टू का साइज क्या है जस्ट 8 bytes, ब्लॉक टू का साइज क्या 8 bytes, मीन्स दिस इज द 8 byte एड्रेस। लेकिन इनर ब्लॉक का साइज क्या है ब्लॉक थ्री का साइज क्या है इसके इसमें 4 bytes, दिस इज द 4 byte एड्रेस, क्लियर। नेक्स्ट वन अगेन अगर मैं फर्दर फिर से स्टार 100 अप्लाई करता हूं तो देन रिटर्न क्या करेगा इनर ब्लॉक का एड्रेस, इनर ब्लॉक का एड्रेस अगेन क्या है 100, लेकिन इस केस में 100 कितने बाइट का एड्रेस है 2 byte, दिस इज 4 byte। देन अगेन मैं स्टार अप्लाई करूँगा देन अगेन फाउंड क्या रहा एलिमेंट, तो इस प्लेस पर क्या आएगा फाइनली
10. This is a concept of star n. अगर आप इस डायग्राम को फॉलो करके star n के प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ. मीन्स आपको कंफ्यूजन क्यों था, क्योंकि आउटर ब्लॉक मीन्स एरे के केस में आउटर मीन्स मैट्रिक्स का एड्रेस, फर्स्ट एरे फर्स्ट रो का एड्रेस, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस ऑलवेज कैसा होता है सेम, देन आपको कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट होता है. आपको जस्ट रेफर करना है, अगर आउटर ब्लॉक के लिए या मेन एरे के लिए आप स्टार अप्लाई करते हैं, ये अप्लाई किस लिए, होल एरे नेम के लिए, देन नेक्स्ट लेवल पर इसे जनरेट क्या हुआ, फर्स्ट रो का एड्रेस. अगेन स्टार अप्लाई करो, देन इसे जनरेट क्या हुआ, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एड्रेस. नेक्स्ट टाइम स्टार अप्लाई करो, देन क्या मिलेगा, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का वैल्यू. दिस द डिफरेंस बिटवीन गिवन एक्सप्रेशन. अगर आप इस प्रॉपर्टीज को फॉलो करोगे, देन आपको कभी भी एरे में कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होने के चांसेस नहीं होंगे.